हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन टुडेज़ मेन्यू तो मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ चॉकलेट मार्बल ग्लेज मिरर ग्लेज केक। इसके लिए ये मैंने लिया है स्पंज बनाया है 1.5 कप प्रीमिक्स से और इसको टॉल केक के केक टिन में बेक किया है। अब इसके हम ऊपर की डोम शेप वाली लेयर को हटा देंगे। अगर डोम शेप आपके केक में ना आए तो आप इतना मत हटाइए, मगर मेरा ज़्यादा ही डोम आ गया था आज तो इसको मैंने हटा दिया है। अब इसको हम 4 लेयर में कट कर लेंगे क्योंकि केक की मेरी हाइट अच्छी है, क्योंकि टॉल केक टिन में बनाया था तो इसको हम 4 लेयर में कट करेंगे। और आज के इस केक में दोनों ही टेस्ट होगा, डार्क चॉकलेट कंपाउंड का भी टेस्ट होगा और वाइट चॉकलेट कंपाउंड का भी टेस्ट होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक होने वाला है। तो इसको हम इस तरह से 4 लेयर में कट कर लेंगे। ये केक की 4 लेयर कट गई है तो इसको हम साइड में रख लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले टर्न टेबल पर हम केक बोर्ड रखेंगे और इसके ऊपर हम क्रीम लगाएंगे थोड़ी सी, इसको हम स्प्रेड करेंगे। ये क्रीम का कलर पिंक इसलिए लग रहा है कि मेरी कल की पिंक क्रीम थोड़ी बच गई थी तो उसको क्रीम में मिक्स कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा दिन क्रीम को रख नहीं सकते हैं। और गनाश और पानी का मिक्सचर तैयार कर लिया है, इससे हम केक को सोक करेंगे और क्रीम में मैंने थोड़ा गनाश भी मिलाया है। अब हम केक की लेयर को सोक करेंगे। चॉकलेट केक, अगर आप चॉकलेट स्पंज बनाया है तो उसकी जो सोकिंग है थोड़ी सी नॉर्मल केक से ज़्यादा होती है, क्योंकि चॉकलेट केक थोड़ा ड्राई होता है। अब इसके ऊपर हम गनाश डालेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे। हमेशा हम क्रीम के ऊपर गनाश डालते हैं, लेकिन इस बार केक बेस के ऊपर गनाश डालेंगे, उसके बाद हम उसको स्प्रेड करके ऊपर से क्रीम लगाएंगे। इससे जो है केक स्पॉन्ज का जो टेस्ट है बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार इस तरह से भी ट्राई करके देखिए। अब इसके ऊपर हम दूसरी लेयर केक की रखेंगे और इसी तरह सेम प्रोसेस से हम सारे लेयर्स को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों से कि मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया कीजिए, और कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आपको सीखने को मिलता है तो इसको लाइक कर दिया कीजिए। शुरू में वीडियो में तो सारे वीडियो जितने भी केक की वीडियो आप देखिएगा तो उसमें एक ही प्रोसेस होता है, तो उससे उबा नहीं कीजिए, उसको पूरी वॉच कर लिया कीजिए, क्योंकि जो फाइनल डेकोरेशन है वो तो लास्ट में ही पता चलेगा आपको। तो साइड से भी हम इस तरह से लेवल करते जाएंगे, क्योंकि टॉल केक है ये। आप लेयर रखते जाइए और क्रीम लगाते जाइए और उसके बाद साइड से एक लेवल देते जाइए उसको, नहीं तो केक आपका टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो इसमें टोटल 50 ग्राम डार्क चॉकलेट का गनाश लगा, 50 ग्राम चॉकलेट से गनाश बनाया था, मतलब एक पट्टी जो 4 पट्टी वाली होती है एक पूरी स्लैब, तो उसमें से एक पट्टी निकाला, उसका हाफ इतने का गनाश लगा। और गनाश बनाने की रेसिपी तो आपको पता ही है। अब ये फाइनल लेयर रख देंगे और फिर साइड से हम इसको देख लेंगे कि हमारा केक पूरा सीधा ऊपर जा रहा है या नहीं। ये काफ़ी टॉल केक हो गया था। अब फाइनल जो ऊपर वाली लेयर है इस पर भी हम पहले सबसे गनाश डालेंगे। अब इसको हम स्प्रेड कर देंगे पूरे में। अब इसकी हम फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। पहले थोड़ा सा क्रम कोट करेंगे फिर साइड से, उसके बाद इसकी हम फ्रॉस्टिंग कर लेंगे फाइनल। तो मेरी वीडियो को आप पूरी देखिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा, कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं डिटेल आपको बताऊं। अभी मैं स्पंज के बारे में या प्रीमिक्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं बताने वाली हूँ, कुछ दिन के बाद मैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो पूरी वॉच किया कीजिए अच्छे से। तो अब ऊपर से जो बची हुई क्रीम थी मैंने पूरी डाल दी है, उससे मैं इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। पाइपिंग बैग से ख़त्म हो गई थी तो पाइपिंग बैग में डालती फिर इसके अंदर लगाती, तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया। अब स्क्रेपर से साइड को क्लीन करेंगे और जहाँ से भी बेस दिख रहा है वहाँ पर हम क्रीम को लगाएंगे
मुझे इस केक में इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि मुझे ऊपर से ग्लेज करना है, इसको ग्लेजिंग करनी है, लेकिन फिर भी जब तक थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं आती है तब तक तसल्ली नहीं होती है। तो ये मेरी फिनिशिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है लेकिन फिर भी हो गई है। तो ये है वाइट चॉकलेट गनाश। तो वाइट चॉकलेट गनाश की रेसिपी अगर चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने बनाया है, इसको और किसी चीज़ से इसकी हम ग्लेजिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट वाइट चॉकलेट गनाश से करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके केक का। तो सबसे पहले मैंने एक बूंद ग्रीन कलर डाला, फिर दो बूंद रेड कलर इसके अंदर डाला है। जो जो कलर आपको पसंद है उसमें से एक दो बूंद डाल दीजिए। ये पर्पल कलर है, ये चॉकलेट ब्राउन कलर है, इसकी दो बूंद डालेंगे। ये ब्लू कलर है, इसकी दो बूंद डालेंगे। ये येलो कलर है, इसकी हम दो बूंद डाल देंगे। ये ब्लैक कलर है, इसकी एक बूंद डालेंगे। और ये वाइट कलर, इसकी भी दो बूंद हम डालेंगे, दो से तीन बूंद। और ये है गोल्डन ड्रिप, ये थोड़ा सा डालेंगे। और ये सिल्वर ड्रिप, इसको भी डाल देंगे। देखिए डिटेल मैंने बताया कि क्या क्या मैंने डाला। अब इसको इस तरह से एक स्क्वायर से हम थोड़ा सा चला लेंगे। एक प्लेट पर हम कटोरी उलट के रखेंगे और इसके ऊपर हम अपने केक को रखेंगे। एक जगह मेरा हाथ लग गया केक पर तो वो ख़राब हो गया, लेकिन चलिए इसको मैं बताती हूँ। अब इस तरह से हम एक साइड से इस तरह आगे आगे पीछे करते हुए मैं सारे गनाश को हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये जो भी ये पैटर्न है ये अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा गनाश जो आपका आपको लग रहा होगा कि ये वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगा, आप किसी दूसरे केक में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो एक वनीला ग्लेज आता करके आता है एक, तो उससे बनाते हैं, तो उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मैंने उससे ही बना के देखा है, लेकिन आप ये वाइट चॉकलेट गनाश बना के बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब इसको हम अपने इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, ताकि अपना जितना एक्स्ट्रा गनाश है वो नीचे आ जाए। और साइड से हम धीरे धीरे स्पून से इस तरह से सारे गनाश को प्लेट पर हम गिरा लेंगे। इसको आप इस टाइम पे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, तो अच्छी तरह से ऊपर चॉकलेट सेट हो जाएगी और एक्स्ट्रा गनाश जो है नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, मैं पहले पूरा आपको दिखा लूँगी उसके बाद ही फ्रिज में रखूँगी। तो ये अब कुछ हद तक सारा गनाश गिर गया है, लेकिन अभी और ये नीचे आएगा। तो ये मैंने एक टॉपर बनाया है, ये वाइट चॉकलेट से ही बनाया है। तो इसको एक साइड में या सेंटर में जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ सेट कर दीजिए। अगर आप ये कोई टॉपर नहीं लगाना चाहते हैं तो वैसे भी ये केक बहुत प्यारा लगता है, या किसी और चीज़ से डेकोरेट कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से कीजिए। मुझे ये करना था इसलिए मैंने किया। तो मेरी ये वाली डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और ऑल का बटन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये मैं नज़दीक से जूम करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना प्यारा इफेक्ट आया है। वाइट कलर डालना बहुत ज़रूरी है, वो सारे कलर्स को हाईलाइट करता है। और सिल्वर और गोल्डन ड्रिप जो मैंने डाला था उसका भी बहुत ही प्यारा इफेक्ट आया है। मैं आपको जूम करके चारों तरफ से दिखा रही हूँ। मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हम अपनी पूरी एफर्ट डालते हैं और आपके लिए वीडियो लेके आते हैं।
तो पूरी वॉच कर लीजिएगा। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए आइडिया के साथ, एक नई डेकोरेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।